आप ना ये बताओ कि आप दोनों तो तैयार से आ रहे हो, ग्लैमर खिलाने कहाँ जा रहे हो? पंकज के घर जा रहे हैं जागो पे। जब किसी घर पे शादी होती है ना, लड़के की या लड़की की, वो पूरी रात जागते हैं और घर घर जाके बताते हैं कि हमारे बच्चे की शादी है, और नाचते गाते गिद्दा पंगड़ा सब होता है वहाँ पे। ओ, मैं समझ गया, आप लोग नहीं समझे। सिद्धा बोलो ना, देसी बैचलर पार्टी, तो आप लोग निकलो, आप लोग अपने डांस फ्लोर को रॉक करने की तैयारी करो और मैं अपने मंजे को रॉक करने की तैयारी करता हूँ। जोगिड़ा एक बात का ध्यान रखिए, जागो में ना एक रस्म होया करे, लड़कियों का झुंड का झुंड सोते हुए लड़कों को ना खाट समेत पटक देता नीचे, ध्यान रखिए बेटा। ओ बीजी, वन जट इज हियर नो फेयर है, और मेरा मंजा कोई उठा पाए ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। चलो बीजी। ओके नाना, बाय बाय, जय माता दी। एक दो तीन। ओ माही, वो छोटी छोटी बातों में ऐसे नाराज नहीं होते, वो देख कितनी सोनी लग रही है मेरी लाडो। हैं नीरू पाजवा ते सोनू पाजवा दा मिक्स लग रही है ना। हाँ, और की। बड़ा प्यार आ रहा है दोनों को, तब ये प्यार कहाँ था जब शालू दीदी मेरी गाल लाल कर रही थी। कोई ना पुत्र, कोई ना, बड़ी बहन है, एक हाथ लगा दिया तो क्या हुआ, ओए हक बनता है उसका, है ना। सबके हक याद है ना पापा आपको, लेकिन अपने ही फर्ज भूल गए। आपको आगे आना चाहिए तो कुछ तो बोलना चाहिए था ना पापा, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ना हमेशा मैं ही गलत लगती, देख लिया है मैंने। मुझे ना सिर्फ और सिर्फ मेरे दादू ही प्यार करते हैं। अरे ए पुत्र, छड़ मिट्टी डाल, और रात गई बात गई, तेरी बेस्ट फ्रेंड के जागो है आज, तू नहीं गई ना तो मोहल्ले वालों ने पता ना कैसी कैसी बातें बनानी है। माही अपनी बेस्ट फ्रेंड की पक्की सहेली के जागो पे नहीं आई, ये देख तेरा ड्रेस निकाला कितना प्यारा, ये ले तैयार हो जा जल्दी जल्दी। सिर्फ मोहल्ले वालों की पड़ी है मम्मी आपको, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। अच्छा ले, कान पकड़ लिए, सॉरी बोल रही हूँ, अब तो मान जा। हाँ पुत्र, वड्डा सारा सॉरी, वड्डा सारा सॉरी, अगली बार किसी ने और ने तुझे ऐसे कुछ बोला ना, मैंने तुन के रख देना है, पापा का प्रॉमिस। ले ए? ओए माई, तेरी सहेली आई है, बोल दू तू नहीं आ रही है। हाँ, बोल दू, बोल दू, बोल दू, बोल दू। ओए खोतिया, रोक उनको, रोक उनको, मैं आ रही हूँ। चलाको मासी, वो ये तो पहले से तैयार बैठी है, ऐसे ही हमसे मिन्नते करा रही थी, देख लो आप। हम ऐसी लिखिया निकाल रहे तेरी। हाँ, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि जब मुझे कोई ऐसे कुछ बोलता है ना तो आपको सामने आना पड़ेगा। मम्मी मम्मी, हाँ? अच्छे टाइम में ना मुझे फिट्टी मुई ना पूछो, लेकिन जब मैं ऐसे परेशान होती ना मुझे आप लोग चाहिए हो। हाँ, और स्पेशली ना जब वो फफड़ू जीजा जी की लाई लगो। ओ मेरे को ना तेरी एक बात समझ नहीं आती, ओ तेरी सुई घूम फिर के मेरे बोले पाले जवाई पप्पू जी पे आके क्यों अटक जाती है? लड़ाई तो तेरी और शालू की हुई थी ना, आ गया बीच में मेरा भोला भंडारी, क्यों? मम्मी दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। पापा आप ही बताओ, शालू दीदी कितनी भोली है, कितनी मासूम है, वो ये सब करेगी क्या? इन्हें सब फफड़ू जीजा जी की लाई लगे, उन्होंने बस सुतली बॉम्ब लगा दिया और फट करके फटी है हमारी शालू दीदी। और मम्मी अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो देखना, इससे भी भयानक ड्रामा करने वाली हूँ मैं, देखना आप। दीदी इतने दिनों बाद मोहल्ले में किसी का जागो हो रहा है, आपको नहीं लगता हमें वहां जाना चाहिए? हाँ वो तो है, लेकिन तुझे पता ना कि इनका पहले कितना मूड खराब है माही को लेके। गलती माही की है तो जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, आप अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? सोचो दीदी सोचो। प्रिया के जागो में खाना पीना नाच गाना सब होगा दीदी, सोचो। हाँ, और अगर मैं गई ना मैं तो अपनी ग्रीन वाली साड़ी पालूंगी। ग्रीन वाली साड़ी? वो तो आप 2-3 बार ऑलरेडी पहन चुके हो, पप्पू जीता जी को अच्छा नहीं लगेगा। हाय, तो मैं क्या करूं वो साड़ी का? शालू, अब अगर आप कहें तो मैं वो साड़ी ले सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अगर आप कहती हैं तो। ठीक है, चलो ना दीदी चलो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ना ट्राई करती हूँ। तो उसको वहां भेज देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना, मैंने आपके लिए पनीर के पकौड़े बनवाए हैं, आपके फेवरेट। ओ वाह जी वाह।
सोच रही थी कि आज प्रिया का जागो है तो मैं जाऊं क्या? प्रिया वो माई की बेस्ट फ्रेंड ना? शालू जी आपको जाना है? वो क्या है ना जी कि रेनू का बहुत मन था। रेनू पकौड़े जीजू ना आज ही तो आपकी लड़ाई हुई भाई से और वहां तो वही चौधरी होगी, आपको अजीब नहीं लगेगा? बहनों में कैसा अजीब जी, और औरतों ने मैंने उसको चपेट भी लगाई थी। तो फिर जाइए। सर हाँ थैंक यू सो मच पप्पू जी। चल चल राम रेडी होते जल्दी से पर ना मैनू एक गल समझ नहीं आ रही है। मैं आपको ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता हूं और आप जो हर बार गटर में जा रही हो और वहां वो थर्ड क्लास तबेले वाले भी आए होंगे, मतलब ऐसी जगह तो मैं अपनी नौकर ना भेजूं और आप नौकरों की मालकिन होके वहां जा रहे हो। माना कि आपको मेरे रुतबे और स्टेटस की कोई परवाह नहीं है लेकिन कम से कम अपने ओहदे की तो चिंता करो जी। I'm sorry, पप्पू जी, please, please मुझे माफ कर दीजिए पप्पू जी। मॉडल जी आप जाइए, आप मेरे दिल की चिंता मत कीजिए, उसमें आपके लिए दर्द नहीं, प्यार है प्यार। पप्पू जी आप एक काम करिए, ये लीजिए, ये इससे मुझे मारिए। पप्पू जी प्लीज आप मुझे इससे मारिए, आप तो भगवान हो जी और मैं इंसान। पप्पू जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पप्पू जी प्लीज। ना जी ना, मेरी मॉडल सर का ताज पैर छूते हुए अच्छा नहीं लगता है। ना 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 ना, ना। करीना कपूर ते आलिया भट्ट की कसम कि आज के बाद ना मैं आपसे बिना पूछे ना एक भी कदम नहीं उठाऊंगी। वो जी मुझसे बिना पूछे तो आप सांस भी नहीं लेंगे। जी कुछ कहा आपने? मैं नहीं थे #, कपल गोल्स, जोड़ी नंबर वन। चल बेफिजूल, पारी को जाने से रोक क्यों रहा भाई? पप्पू कोई भी काम बेफिजूल में नहीं करता। आज बोल दिया लेकिन दोबारा मत बोलना। वो चाहे जैसी भी है मॉडल जी की बहन है और आज वहां उसके साथ जो होने वाला है उसे देखकर मॉडल जी को अच्छा नहीं लगेगा। जागो में तो नहीं जाएंगी मॉडल जी। देख रहे हो मॉडल जी क्या हो रहा है ये? यहाँ कलेजा बैठा जा रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, मम्मी पापा हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं वो अलग, और इसे देखो ऐसा लगता है कि दो परिवारों में दरार पड़ने की खुशी मना रही है। मिट्टी पाओ जी, जब इसको आपकी परवाह नहीं है तो आपको भी ना किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जी चलो जी, एंड है जी।
लगाए होती तो बड़े हो गए, नौबत नहीं आनी थी। एक मिनट, जागो वाली रात जो सोए वो हमारा क्या लगता है? दुश्मन। और दुश्मन के साथ हम क्या करते हैं? नींद हराम। जब मैं वो मंजी पलटाऊ ना तो ढोल फुल वॉल्यूम में बजना चाहिए। मुझे मार पड़ने पे बड़ा खुश हो रहा था ना तू, मेरा थप्पड़ ना सिर्फ तूने देखा लेकिन तेरी बेइज्जती ना पूरा मोहल्ला देखे। अब देख तू माही का बदला। हो गया तुझे जानते हुए, पर डीआई मॉडर्न गर्ल, कब तू गड्डी को आगे लेके जाती है, कब तू रिवर्स मारती है और कब तू गड्डी ठोक देती है ना, अच्छे से समझता हूं। ओ यारो, पानी के गुब्बारे मार मार के पंकज की सालियों को हरा पीला नीला कर दो। ओ मैं तो तेरी लुक से ही समझ गया था कि तू बदला लेने जरूर आएगी। यार जोगी कैसे मारू इसे यार, प्रिया जी की बेस्ट फ्रेंड है, समझना बात को। और तू बंदा है ना भैया, कुड़ी के चक्कर में ना अपनी बचपन की दोस्ती पे क्वेश्चन मार्क मत लगा। और तू किससे डर रहा है? पर जाई घर पे बैठी है, मेहंदी लगा के मुंह पे गुब्बारा मार, नहीं तो मैंने इसका मुंह तेरे गुब्बारों पे मारना। जीजू आपको ना प्रिया की कसम है, और छोड़ दूँ दिमाग तेरे का। और उसकी बात ना सुन तू। जोगी छोड़। जोगी हाथ छोड़ मेरा। छोड़ दा। ठीक तो ना, मैं तो ना बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन अब ये ठीक नहीं रहेगा। ओहो अच्छा जी, कोई बात नहीं, आप बदला लोगे तो फिर मैं बदला लूंगा, आप फिर बदला लोगे तो मैं फिर से बदला लूंगा, और ऐसे बदले लेते लेते एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। पप्पू जी की साली, तू ठहर पमूड़िए, तेरे तो मैं बाल पड़ देने। ओ छट मैनू, ओ लेके ला मैनू, ओ पुतरी, ओ डंडे वेके ड्रैगुली वर्गे तेरा मेरे हाथ से आते तेनू मैं छटणी। दिख मैं चाहिए मुझे इस मोहल्ले में तेरी ऐसी तकी बड़ी ना तू, ओ तेरे तो मैं अपनी लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा छट देनी है। एक बात कहूं पप्पू, ये जो तेरी साली है ना माई, आगे चल के तेरे रास्ते में बड़े रोड़े डालने हैं उसने, जितनी जल्दी हो सके ना उसका कोई इंतजाम कर ले। वो इंतजाम करना क्या कर दिया, बस आता ही होगा। एक नंबर का ना लीचर से लफंडर मुंडा है, मुंह खोलते ना मंत्र तो मुंह को मार दूँ एक। पर मुंडा है बड़ा क्यूट, नहीं क्यूट नहीं भूत है वो। क्या बोला था वो? ड्राइवर ने जी मैं तो ना सब जान गया हूँ आपके बारे में, कहाँ टक्कर मारोगे और कहाँ से टर्न लोगे,
मन तो करता ना इसको सच में टक्कर मार दूं। तू सुन भी रही है मेरी बात प्रीति? हाँ मैं सुन रही हूँ, पर तू कुछ भी कह, दिखता तो बिल्कुल वरुण धवन जैसा है। वरुण धवन की ना चींची उंगली का नाखून भी नहीं है वो, आया वड्डा वरुण धवन, कुछ भी बकवास करती है। अच्छा मैं तो बकवास करती हूँ, तू तो कुछ कहती नहीं है, बस जोगी जोगी कर रही है। हाँ तो मोहतरमा, अगर गुस्सा उस पर आया तो उसी का नाम लूंगी ना, भगवान का नाम थोड़ी लूंगी। और मैं तो कहती हूँ ना, किसी दिन उसकी भैंस आके ना उसे सींग मार दे ठा करके। भैंसों का तो पता नहीं, पर तूने ना जरूर मार दी था उसे आज। तेरी चुन्नी ले गया वो, कोई ताने तो नहीं मारेगा ना? क्या यही यार, जद आई सी तो दुपट्टा नाल सी, हम दुपट्टा नहीं है, इज्जत दी गल ना यार। प्रीति, एक कुड़ी की इज्जत ना इतनी कमजोर नहीं होती कि चुन्नी उतरने से उतर जाए या किसी के ताने देने से फीकी पड़ जाए। एक गल ना हमेशा याद रख, कुड़ी की इज्जत कितनी होनी चाहिए ना, ये बात का फैसला सिर्फ एक कुड़ी कर सकती, और कोई नहीं। तो अपने दिमाग के जाले झाड़ो और अपनी वर्थ जानो। चलो तुम लोग जाओ, मैं कल मिलती हूँ। कौन हो सकता है ये, अपने मोहल्ले का तो नहीं लग रहा। पैड़ी पौना पप्पू जी। गुलशान कल काम हो जाएगा ना? ओ, कोई शक नहीं पप्पू जी, कल माई अपने घुटनों पे होगी आपके सामने। बस बस, तो फिर कल आएगा मजा प्रिया की शादी में, जब पूरे मोहल्ले के सामने उतरेगी माही की इज्जत और टूटेगी अकड़। सॉरी मॉडल जी, तो मैंने आपको जागो पे नहीं जाने दिया। कुछ चिंता ना करो खुशी, मैं आपको शादी में लेके चलता हूँ, आपकी बहन से मिला लें, मजा आएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तू करने क्या वाला है? ये जो बंदा है ना रॉन्की, गुलशन, ये बड़ा बदमाश बंदा है। इसकी प्रिया के साथ सेटिंग वेटिंग हो गई थी, और जब सेटिंग वेटिंग हो गई थी तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो लिए थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो लिए थे तो इन्होंने कुछ कांड कर दिए, और इस शरारती मुंडे ने, इस विलनिये ने उस कांड का एमएमएच बना लिया। हाँ, एमएमएच। लेकिन पप्पू मेरी एक बात समझ में नहीं आई, बदनामी होगी प्रिया की, रिश्ता टूटेगा प्रिया का, इसमें तेरी साली माई का क्या लेना देना है? ओ यार रौन की, तू सवाल बहुत पूछता है यार। मैंने वो कहावत सुनी है, आ बैल मुझे मार, पर इस केस में उल्टा है, बैल वहीं रुक, मैं तेरे पास आती हूं। अच्छा, हीरोइन बनने का बड़ा शौक है उसे, वो अपने लिए खतरा मोल ले सकती है लेकिन अपनी सहेली के लिए नहीं, उसकी इज्जत और उसकी शादी उसके लिए बहुत मायने रखती है। और तब हमारा गुल्लू उससे 1,00,000 रुपए मांगेगा अपना मुंह बंद रखने के लिए, वो भी शादी से ठीक 1 घंटे पहले। और इतने कम टाइम में तो सिर्फ एक ही आदमी 1,00,000 रुपए ला सकता है माही।
तेरा जीजा पप्पू। फिर देखते हैं तेरा सर मेरे सामने झुकता है या नहीं, तेरा प और फ कंफ्यूज होता है कि नहीं, तू मुझे फपड़ू जीजा जी बुलाती है या मेरे प्यारे श्रीमान महान आपको शत शत नमन पप्पू जीजा जी एंड डैडी।